Press the subscribe button and hit the bell icon for more news and updates. तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का इस चैनल यानी कि न्यूज जंक्शन के अंदर एक बार फिर से, और आज मैं बात करने वाला हूँ हाउसफुल 4 के रिव्यू के बारे में। हाउसफुल 4 जो कि इतनी एपिक कॉमेडी फिल्म है, आप लोगों को पेट दर्द हो जाएगा हंसते हंसते। जो कि आप लोग ट्विटर पर या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर किसी का भी रिव्यू देख रहे हो, मतलब ऑनलाइन या फिर किसी, तो मत देखो, पहले आप जाओ मूवी को देखो और फिर खुद का ओपिनियन बताओ। दूसरों के ओपिनियन से अपना डिसीजन मत लो ना देखने का, ये सबसे गलत बात है। सबसे गलत बात यह है कि लोग इसके बारे में नेगेटिविटी फैला रहे हैं और उन्हीं पर लोग विश्वास भी कर रहे हैं। तो ये मैं बात इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्षय कुमार की हर फिल्म के साथ में यही होता है, और इस बार आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत कीजिए और इन रिव्यूज के ऊपर भरोसा मत करो। मैं तो ये कहता हूँ कि क्रिटिक्स पे भी भरोसा मत करना, कुछ भी मत करना, किसी को मत देखो, खुद जाओ देखो। दिवाली है और हंस हंस के अगर पागल ना हो जाओ ना, तो वापस कमेंट सेक्शन में आके गालियां दे देना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन यहाँ पर इतनी ज्यादा कॉमेडी, और साथ ही साथ बात करूं मैं, अक्षय कुमार के साथ में बॉबी देओल, रितेश देशमुख, ये तीनों मिलकर तो उन्होंने इतनी ज्यादा कॉमेडी की है ना, हर एक डायलॉग इतना ज्यादा एपिक है, क्योंकि इस पूरी मूवी को एक काइंड ऑफ स्पूफ बनाया गया है और काफी ज्यादा भयानक कॉमेडी है। सबसे अच्छी बात इसके अंदर आपको लगेगी कि स्क्रीन प्ले आपको एक बार भी बोर नहीं करेगा, इतना सा भी सेक्शन आपको बोर नहीं करने वाला। हर एक चीज फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्टेड है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टोरी सच में बिल्डअप की गई है, एक स्टोरी इसमें बनाई गई है जो कि कनेक्ट करती है 1419 से लेकर 2019 तक, और वहां की भी स्टोरीज मर्ज होती है, लोगों को याद आता है कि आखिर क्या थी स्टोरी, क्या था उनका खुद का कैरेक्टर, कौन था उनका पार्टनर, और वो सारी लव स्टोरी, जो लास्ट का सीन है वो भी काफी ज्यादा एपिक है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात गाने ऐसी चीज हो गए हैं बॉलीवुड में भी कि वो फ्लो तोड़ देते हैं अगर वो एक्शन मूवी में हो तो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ पर एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि गाने टाइमिंग पर आए, जो कि पुराने बॉलीवुड के टाइम से चलता आ रहा है कि एक टाइम होता है गाने का आने का, और वहां पर ही वो गाने फिक्स किए गए हैं, प्लेस किए गए हैं। जहां पर बाला सॉन्ग, वो तो सबसे एपिक है, क्योंकि पूरी जनता को अगर हाउसफुल 4 के बारे में पता है तो वो बाला सॉन्ग से ही पता है एक्चुअल में तो, क्योंकि अक्षय कुमार का डांस और अक्षय कुमार की जो कॉमिक टाइमिंग है उसके अंदर काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। अक्षय कुमार मतलब हैट्स ऑफ, क्योंकि अक्षय कुमार ने अभी तक इतने टाइम से एक भी घटिया और मतलब सेंसलेस पिक्चर नहीं किए, जहां पर उनको लगता है कि स्टोरी वीक है वो पिक्चर नहीं करते हैं, वो फिल्म नहीं करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब हाउसफुल 4 उन्होंने साइन की तो उन्होंने सच में इस फिल्म का पोटेंशियल देखा था, और साफ बात है कि इस फिल्म के अंदर आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने वाली है। सभी हंसते हंसते हॉल से निकले थे, और यहाँ तक कि सबको इतनी ज्यादा हंसी आई है कि पूरा हॉल गूंज रहा था बस हंसी से, अलग अलग से हंसी आ रही है। लेकिन ये जो फिल्म थी ना, ये काफी अच्छी बेटर कॉमेडी फिल्म थी, बाकी जो डबल मीनिंग कॉमेडी फिल्म्स बना रहे हैं आजकल उन सबसे बहुत ज्यादा अच्छी फिल्म थी, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को कोई मतलब घटिया चीज नहीं लगी कि ऐसा ही लग रहा कि आप लोगों ने ये फैमिली के साथ क्यों देख लिया, ये तो बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर डायरेक्शन फराज सामजी, काफी ज्यादा अच्छा डायरेक्शन था, साजिद जो करने वाले थे वो भी काफी ज्यादा अच्छा था। लेकिन अब जहां पर हमें देखने को मिला था कि राणा डग्गुबती की कॉमेडी आपको इसमें नजर आएगी, एक्चुअल में नजर आएगी, वो इतना बल्कि हल्क जैसा शरीर लेके घूमते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर वो कॉमेडी कर रहे हैं तो सोच लीजिए कि अगर वो कॉमेडी कर सकते हैं तो अक्षय कुमार और रितेश देशमुख, इन दोनों ने मिलकर कितनी ज्यादा कॉमेडी की होगी। और साथ ही साथ बॉबी देओल की कॉमेडी, बॉबी देओल की पुरानी फिल्म से लेकर डायलॉग्स, ओह कमाल, और साथ ही साथ उनकी जो केमिस्ट्री थी काफी ज्यादा अच्छी थी। पूजा नहीं, 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 कृति खरबंदा के साथ में उनकी ये मिक्सचर हो चुका है अभी बहुत ज्यादा, ये आपको मजा आने वाला है फिल्म के अंदर, किसकी कौन सी बीवी है। आप लोगों ने ट्रेलर में ये डायलॉग्स देख ही होंगे कि ये तेरी भाभी है, वो मेरी है, ये बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और साथ ही साथ जो सेट्स की अगर बात करें, VFX की जो बात करें, असल में पता चलता है कि पैसा जो इस फिल्म में लगा है
वो अच्छे तरीके से अच्छा यूज किया गया है, VFX काफी अच्छे थे और सेट्स तो बहुत ही ज्यादा बड़े, और इसमें बाहुबली टच है, दबंग टच है, और भी बहुत सारे टचेस इसके अंदर आपको नजर आते हैं। लेकिन बात करें वहां पर सभी की एक्टिंग की, बहुत ज्यादा अमेजिंग, डायलॉग्स काफी अमेजिंग, गाने तो आप लोगों ने सुन ही लिए हैं, लेकिन जब वो गाने टाइमिंग पे आते हैं तो वो और ज्यादा फिल्म को निखार देते हैं, और बहुत ही ज्यादा बढ़िया फिल्म थी। इस मूवी को 5 में से 4 स्टार्स तो देने बनते ही हैं, बस 1 स्टार वो आप क्योंकि कॉमेडी फिल्म है तो 1 स्टार थोड़ा सा क्या खटक जाता है कहीं ना कहीं। अब वो इस टोटल मिला के 1 स्टार या आधा स्टार ही काट सकते हैं, इससे ज्यादा अगर कोई बोल रहा है कि घटिया फिल्म है, कोई सेंस नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट है, मीम्स बन रहे हैं, अरे यार इसको हटाओ, इन सबको हटाओ, उन्होंने फिल्म देखी भी नहीं है एक्चुअल में, वो सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहे हैं सिर्फ। और फर्स्ट हाफ की मैं बात करूं, आपको पता नहीं चलेगा कि ये कब खत्म हो गया कब, क्योंकि आप हंसते हंसते ही पूरी फिल्म देख जाओगे, आधी फिल्म निकल जाएगी, इंटरमिशन हो जाएगा, और उसके बाद भी आप हंसते हंसते मतलब ऐसा हो जाएगा पिक्चर खत्म हो गई, अभी तो मेरे को और हंसना था, अभी तो मेरे को और अक्षय कुमार को देखना था, और ऐसा ही आपको इसमें नजर आएगा। अब आपको ये फिल्म कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना, और ऑनेस्ट ओपिनियन आपका बताना, किसी और के ओपिनियन से मत जाना। अगर आपको लगता है कि मैं इसकी बहुत ज्यादा तारीफें कर रहा हूं तो आप ये रिव्यू भी मत देखो, आप खुद जाओ खुद देखो। अगर आपको ये रिव्यू ऑनेस्ट रिव्यू अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलना न्यूज जंक्शन को, बेल आइकन भी दबा लेना ताकि आपको ये ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यूज मिलते रहे सबसे पहले। और मिलते हैं अगली फिल्म के रिव्यू के साथ में, और हाउसफुल 4 की हर अपडेट आपको इस चैनल के ऊपर मिलने वाली है, इसके कलेक्शन से लेकर इसके जो रिकॉर्ड ब्रेक्स हैं वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली बार। Press the subscribe button and hit the bell icon for more news and updates.